रुक जाइए भैया, ओ मैडम जी आगे से हट जाइए, ये तो बता रहे हैं आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हट जाऊंगी, पहले बच्चा दे दीजिए। बच्चा चाहिए तुमको? तो ठीक है, बच्चे को दे देंगे, लेकिन यहाँ नहीं। ऐसा करना, थोड़ी देर बाद बाहर कचरा पेटी से बच्चे को उठा लेना, ठीक है? आप इसको अपना बेटा मानते हो या नहीं मानते हमको नहीं पता, पर हम इसकी मां बन चुकी हैं। हम इसे ना छोड़ेंगे। ए चिपकली, तो चल तू भी निकल यहां से, तेरी भी जरूरत नहीं है इस घर में, समझी क्या? ये बच्चा और तू दोनों निकलो, चलो। तुम चुप रहो, ये हमारा घरेलू मामला है, इसमें दखल मत दो। बड़ी बात हम बोले तो, कि ये हमारा घरेलू मामला है, हम इसको बच्चा हो चाहे ना हो हम देख लेंगे। वो तुम्हारा बार बार चोच मारना जरूरी होता है का? समाधान तो यहां पर है। यह है मतलब, मैं समझी क्या तू? इस औरत के लिए, इस गैर औरत के लिए आप अपनी पत्नी के साथ ऐसा करेंगे? वो पत्नी जो आपसे इतना प्यार करती, यह रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते। आप एक बार दीदी को अपना कर तो देखिए। अरे यार तुम बंद करो ना अपनी बकवास, क्या टैटा 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 लगा रखी है यार? हैं? ई बच्चे को हम अपना न मान सकते, समझ आई या नहीं? मत मानना, मत मान। बाकी तुम अपनी बहुरिया के जज्बात की कदर करोगे कि नहीं? अरे जब वो इमें खुश है तो तुमको काहे की दिक्कत है भाई? भैया प्लीज मत जाइए, ऐसा पाप मत कीजिए। अरे घोर कलयुग आ गया है, अभी दूसरों का पाप हमारे घर में पलेगा। भात का ना मार का सबके सर पे तार का। ये पाप नहीं है बुआ जी, पाप वो है जो ये गैर औरत कर रही है, किसी का बसा बसाया घर तोड़कर। ओ लड़की, जवान संभाल के बात कर, ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये हमारी अब बीवी है, समझी? आप ठीक नहीं कर रहे भैया, आप बहुत पछताएंगे। हम पछताएंगे हैं? हमको इतनी अच्छी बीवी मिली है, ये घर को बारिश मिलेगा और हम पछताएंगे। अरे पछताएंगे हम नहीं, पछताओगी तुम और ये सपना रानी। तो तेरे बहकावे में आके ना अपने मन की करने लगी है, बस एक बार, एक बार एक ही देह से हमारा बच्चा हो जाए बस। इतना बड़ा काटा मार के को तलाक देके ना घर से बाहर फेंक देंगे, बता रहे। खेलना है ना बच्चे से, लिख खेलो, हम बाद में देख लेंगे। अरे हस्बैंड जी, आप उनको भी लेके चलना, आती है मैं। सपना दीदी आप शांत हो जाइए, हमारे पास कानून का सहारा है अभी। माजी, माजी आप जाकर भास्कर भैया को समझाइए ना, उनसे बात करिए ना। ऐसा रोशनी, इस बार जो तुम कर रही हो वो गलत है। माजी,
मतलब समर जी ने अंदर किसी को? हे भगवान, ये तो दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे। हमें ऐसे भागना होगा, हम यहाँ और नहीं रुक सकते। ये इंसान तो दिमागी तौर पे रोगी है, एक दिन तो ये हमें मार ही देंगे। हमें ऐसे निकालना होगा जल्द से जल्द। शायद भागने का ये सही मौका नहीं है। कल सुबह ही हमें कुछ करना होगा। आप मुझसे नाराज हैं ना माँ जी? सरोजनी, हमने हर बात में तुम्हारा साथ दिया, कहे कि हमें लगा था कि तुम कभी गलत नहीं हो सकती। बाकी आज तुम गलत हो। तुम किसी और का बच्चा बगैर किसी राह सलाह के यहां ले आई। अरे कम से कम एक बार तो हमसे पूछ लेती। अच्छा, हमसे नहीं, दादाजी से पूछ लेती। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, और यही तुम्हारी दिक्कत है। तुम पढ़ी लिखी हो, तुम ये समझती हो कि तुम जो भी करोगी सही करोगी। ऐसा नहीं होता सरोजनी। जो कम पढ़े लिखे हैं ना, उनमें भी समझ होती है। वो भी सही और गलत का अंतर समझते हैं। अगर ऐसा नहीं होता ना, तुम हर बात में तुम्हारा साथ नहीं देते। और तुम जो ही अपना पढ़ाई वाला दिमाग है ना, ये हमारे घर की मान्यताओं से दूर रखो। अपनी चाहत, अपनी सोच, ये सब तुम कुछ नहीं समझ सकती। तुम किसी और का बच्चा हमारे घर में ले आई और हमसे कहती हो उसे अपना ले, काहे? अरे तुमने शहर में चलता होगा ये सब। यहां नहीं। अरे ओ दिल्ली वाली, आज तुम्हारी बहुत कमी कर रही है सुमित्र। काश तुम मेरे साथ होते। लेकिन मैं जानती हूँ सुमित्र, मैं सही कर रही हूँ। आह, क्या रात थी। हाँ, मजा ही आ गया। इतना अलबेला मर्द बेचारा मजाक ही बन के रह गया। अरे लेकिन हाँ, अपुन को ना तेरे को थैंक यू बोलने का था। थैंक यू सो मच। तू जानती है अपन तेरे को थैंक यू कहीं को बोल रही लिए? बच्चे के लिए। भास्कर और सपना के बीच वो जो चिपकली है ना, सारा रिश्ता टूट गया। अब जो भास्कर है ना, वो बस अपन का ही है, पूरा का पूरा।
यू सो मच। डार्लिंग मैं आ गया। इंद्रा, इंद्रा, अरे तुम्हें पक्का यकीन है तुमने बड़ी बहू को इधर ही आते हुए देखा था? मालिक यही देखा था, लेकिन वो यहाँ पर क्या करेंगी आकर? पता नहीं मालिक, पर मैंने यही देखा था। ये कह रहा है तो देख लेते हैं विश्वा, हो सकता है किसी कारणवश आना हुआ हो। मंजरे, मंजरे! विश्वा अगर यहाँ होते तो जरूर जवाब देते। चलो आओ, जरा आगे चलकर देखते हैं। आओ। इंद्रा, तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे प्यार का मजाक उड़ाया, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। इंद्रा, इंद्रा, कहाँ छुपिया, बाहर निकलो। इंद्रा, बचवा के दूध पिला दिए हो? जी दादाजी। क्या बात है बिटिया, उदास काहे हो? जब अपनी मुझसे नाराज हो तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ दादाजी? अरे हुआ का है, हमसे कहो ना दादाजी। वो मैं बच्चे के अरे गोली की आवाज, इंद्रा का। इंद्रा, तुम तुमने साथ मेरा घर छोड़कर भागी हो? गोड़ी धोखे पास और जाएगी कहां? इधर ही आएगी ना,
जाओ उसको बुला कर लाओ, बुला कर लाओ कि चुपचाप इधर आ जाए, वरना एक एक को गोली मार दूंगा। इंदिरा दीदी यहां नहीं आई, और ये कौन सा तरीका है उन्हें ढूंढने का, रिवॉल्वर उठाकर? बताओगे तो तुम के इंदिरा दीदी कहां भागी? बताओ कहां है इंदिरा दीदी? ये सारा खेल तुम्हारा खेला हुआ है, ठीक है, इस खेल का रिजल्ट तो आएगा ही। इंदिरा को जाकर बुला लो, वरना तुम्हें ले जाऊंगा अपने साथ। समर, हम सच कह रहे हैं, इंदिरा यहां नहीं आएगी। यहां नहीं आई है तो और कहां जाएगी, यहीं आएगी ना? इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूं। समर छोड़ो। इंदिरा जब आएगी ना उसे दे जाना और इसे ले जाना। समर छोड़ देगा, सरोजनी हमारे घर की इज्जत है, तनिको से आगे बढ़ा ना तो यहीं ढेर कर दे। तो छोड़ा छोड़ा। अपने घर की इज्जत की बड़ी परवाह आपको, और मेरे घर की इज्जत का क्या? जो घर छोड़कर भाग गई वो, इसका जवाब है आपके पास? तू अपने घर की इज्जत नहीं संभाल सकता तो दूसरे के घर की इज्जत पे हाथ डालेगा कहाँ? ये क्या तरीका है तोरा? जरूर तुमने कोई ना कोई बदमाशी की होगी, नहीं तो इंदिरा दीदी घर छोड़ के न जाती। हम मरद जात को अच्छे से समझते हैं। अब जाओ यहां से, नहीं तो गोली से नहीं ये बट देख रहे हो ना, इसे मार मार के तुम्हारा हुलिया टाइट कर देंगे। भूल जाएंगे हम कि तुम इस घर की बेटी के पति हो। चलो भागो यहां से। और जाते जाते ये खिलौना ले जाओ। अब खूब खेलना इस खिलौने से और निकलो यहां से। इस अपमान का गिन गिन कर बदला लेंगे हम इंदिरा से। जो करना है कर लो, मारना है मार लो। इस अपमान के चोट का एक एक निशान दिखेगा इंदिरा की पीठ पर। इंदिरा दीदी को अब मैं तुम तक आने दूंगी तब ना? एक बात कान खोलकर सुन लो समर, अगर इंदिरा दीदी को कुछ हुआ या वो नहीं मिली तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। उनके साथ किए गए एक एक जुल्म को गिन गिन कर तुम्हें उसकी सजा दिलवाऊंगी, ये बात याद रखना।